अमित पालेकर पिछले 4 दिन से इनडेफिनिट फास्ट यानी अनिश्चितकाल अनशन पे बैठे हैं। आज 4th दिन है। 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, केवल पानी पी रहे हैं। गोवा के लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी है। अमित फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों भूखे बैठे हैं? इतने दिन भूखे रहना कोई आसान थोड़े ही है। अमित जी गोवा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, गोवा के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज गोवा में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसमें गोवा के सारे लोग एक तरफ हैं और गोवा की सारी करप्ट पार्टियां एक तरफ हैं। बीजेपी, कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, इन सब ने मिलकर गोवा को बेच दिया। सालों से गोवा के लोग देख रहे हैं कि गोवा के पॉलिटिशियंस ने ऐसे ही गड़बड़ घोटाले करके पैसे कमाए हैं और अपनी जेब भरी है। आज ओल्ड गोवा में एक हेरिटेज की जमीन पे अवैध रूप से, इलीगल तरीके से बीजेपी नेता का बंगला बन रहा है। एक पार्टी का नेता कहता है उस पार्टी के नेता ने यह किया और उस पार्टी वाला कहता है कि दूसरी पार्टी वाले ने यह किया। सच्चाई यह है कि ये सब पार्टी के नेता मिलकर गोवा को बेच रहे हैं। अमित पालेकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इन पार्टियों की इस लूट के खिलाफ अमित पालेकर ने आमरण अनशन शुरू किया है। अमित का कहना है कि जब तक इस अवैध बंगले को तोड़ा नहीं जाता तब तक वो अनशन पर रहेंगे। मुझे गर्व है कि आम आदमी पार्टी का एक लीडर गोवा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। आखिर अमित जैसे एक आम गोवन को यह सब करने की क्या जरूरत थी? अमित एक सक्सेसफुल एडवोकेट है, किसी चीज की कमी नहीं है, घर है, परिवार है, सब कुछ है। चाहते तो वो भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो फिर भी आगे आकर इस करप्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। आप सबके लिए लड़ रहे हैं, वो गोवा के लिए लड़ रहे हैं। कल अमित की वाइफ और उनकी बेटी उनसे मिलने गए थे। उन्हें देख के अमित के आंसू निकल आए। अमित अपने आप को रोक नहीं पाए। आपने देखा वो वीडियो? मैंने देखा था। उसे देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। पर अमित अपने इरादे से नहीं हिले। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वे उसके और गोवा के सभी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई पवित्र है। जब तक सफलता नहीं मिलती, वो कहते हैं वो उठेंगे नहीं। हम सब उनके साथ हैं, गोवा के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं अमित से कहना चाहता हूं कि सच्ची निष्ठा से जब कोई तपस्या करता है तो ईश्वर जरूर सफलता देता है। जब तक गोवा के आम आदमी आगे आके इन भ्रष्ट पॉलिटिशियन से नहीं लड़ेंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। आपको, हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। गॉड ब्लेस अमित, गॉड ब्लेस गोवा, गॉड ब्लेस गोवंस।